और मोदी जी कह के जा रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान मजदूर शिक्षक कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूँ लास्ट बार, और टिकैत साहब बुलाता हूँ, हम पूरे देश में 1 करोड़ हैं, कितने हैं हमारे घर में 5 करोड़, और हम प्राइमरी के मास्टर हैं, 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे, 10 करोड़। चाय के दुकान पर प्राइमरी का मास्टर जब बहता है तो कहता है ये सरकार आ रही है, वो जा रही है, तो आदमी कहता है ये पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है, सही है। ये पुलिस के लोग ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हो कहते हैं ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है। लाला हम क्या करें, वर्दी का सवाल है, अंदर से हम भी तुम्हारे साथ हैं, सच बता रहा हूँ। पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पैरामिलिट्री हो, सारे के सारे लोग पेंशन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात के लिए संकल्पबद्ध होना, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इस कैंपस में जितने लोग हैं दोनों हाथ ऊपर करके उनका समर्थन करिए। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए। देश का राजनेता एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है, और बॉर्डर पर लड़ने वाले को एक पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? तो मैं बड़े अदब के साथ, हमारे बीच में नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ST/ST, उन्होंने पूरा समर्थन किया है। मैं उनको भी चाहूँगा कि 1 मिनट में अपनी बात कर दें, फिर टिकट साथ बुलाते हैं। बहुत आदरणीय विजय बंधु जी, अब पूरे देश से